गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन लघुगण की अवकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वो छात्र देखें कि हम इसमें किस मेथड का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम यहाँ पर y इक्वल टू यू एक्स की पावर वी एक्स दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम दोनों पक्ष का लॉग ले लेंगे, तो लॉग वाई इक्वल टू वी एक्स इंटू लॉग यू एक्स हो जाएगा। फिर हम श्रृंखला नियम के द्वारा इसका अवकलन करेंगे। तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन होगा वन अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वी एक्स को फिक्स रखा, लॉग यू एक्स का डिफरेंशिएशन किया प्लस वी एक्स का डिफरेंशिएशन किया और लॉग यू एक्स को फिक्स रखा। और इसके बाद हम वन अपॉन वाई में वाई को राइट में ले आएंगे और यह जो हमको इस मेथड से यह आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। इस मेथड का उपयोग करके हम एक्सरसाइज को करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन में बन दिया हुआ है, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो इसको सबसे पहले हम y मान लेते हैं। तो लॉग लेने में क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x। फिर हम कह रहेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर हमको मिलेगा वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो कॉसेस का डिफरेंशिएशन होगा, लॉग कॉसेस का डिफरेंशिएशन होगा वन अपॉन कॉस एक्स, और कॉसेस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। फिर इसके बाद कॉस टू एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, लॉग कॉस टू एक्स का डिफरेंशिएशन होगा वन अपॉन कॉस टू एक्स, और कॉस टू एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस टू साइन टू एक्स। इसके बाद कॉस थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन होगा वन अपॉन कॉस थ्री एक्स नीचे आएगा, और कॉस थ्री एक्स का होगा माइनस साइन थ्री साइन 3x। इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, तो यहाँ आएगा वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, माइनस कॉमन निकाल दिया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स प्लस टू टेन टू एक्स प्लस थ्री साइन अपॉन कॉस कितना होता है टेन टेन थ्री एक्स। अब इस y को हम राइट में ले जाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस y इंटू टेन एक्स टू टेन एक्स थ्री टेन थ्री एक्स, ये आपका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर टू हो, इसको हम y मान लेते हैं, तो हम log लेने पर कितना आ जाएगा, लॉग y इक्वल वन बाई टू लॉग x माइनस वन प्लस लॉग
एक्स माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस लॉग एक्स माइनस फोर माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव, ये हो गए। अब इसको अवकलन करने पर हमको क्या मिलेगा, वन अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल वन बाई टू वन अपॉन एक्स माइनस वन वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव। अब इसमें हम y को राइट में ले जाएंगे तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल वाई अपॉन टू, यहाँ पर आप इसको वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव, ये आपका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको ये वैल्यू दी हुई है थर्ड क्वेश्चन में, इसको हम मान लेंगे y लॉग लेने पर, हमको क्या प्राप्त होगा, log y इक्वल cos x इंटू log x। अब इसका अवकलन करने पर हमको क्या प्राप्त होगा, वन अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल, अब हम log cos x को फिक्स रखा और log x का डिफरेंशिएशन होगा वन अपॉन एक्स, फिर हम log x को फिक्स रखेंगे और cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स। हम y को राइट में ले जाएंगे तो डी वाई बाय टी एक्स इक्वल वाई इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसको फोर्थ को करके देखेंगे और इसको हल करके हमको चेक कराएंगे। थैंक यू।